कभी कभी आपकी खामोशी आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। क्या हुआ? मम्मी ग्लास मंगा रही है। अभी खाली नहीं हुआ है, मैं ले आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ये ले। रुक, चश्मा दे, अब जा। अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ लेकर आ गया। देखो बताओ, पागल है वो। कितनी बार उसको समझा चुकी हूँ कि घर के सामने से चक्कर मत लगाया कर। तेरे बर्थडे की पार्टी पेंडिंग है। बंद कर। खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा एक दिन, देख लेना। कैसे भाई लोग? सब एकदम तैयार हो क्या आए हो? हाँ, हाय स्वप्निल। चश्मा, ओहो छा गया तू तो। कल ही तो आया ऑनलाइन। वाह यार, दिखा ये देख। भाई मेरे लिए भी एक ले लेना। ऑनलाइन मंगा लो आप भी। अबे मैं भी मंगाऊंगा बिग बिलियन डेज में, फिर मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छा सुन इधर, बता। अरे कुछ पूछना था। तेरे को किसने बताया कि सुरभि भी आ रही है? किरण ने बताया मुझे। उसको कैसे पता चला? अबे उसको पता है तेरे बारे में, और जिस हिसाब से तू सुरभि को क्लास में देखता है ना, मुझे तो लगता है उसे भी पता होगा। तो आज बात करेगा ना उससे। अबे तेरी इतनी फटती क्यों है? देख यार सिंपल है, और ये चश्मे में तू इतना स्मार्ट भी लग रहा है। अबे तेरा मन रखने के लिए बोल रहा था। सुन टेंशन मत ले, इसको पहन, बेहतरीन। अब तू ऐसे ही फुल फॉर्म में फुल स्वैग में जाना और बस उससे बात करना। अबे रवि भी आ रहा है आज। देख आज कोई पंगा मत करना, और ये चश्मे को छुपा। अबे सबको पता है ना पंगा कौन शुरू करता है, और ये पहनूंगा तो दिखेगा ही ना। छुपाने के लिए थोड़ा लाया हूँ यार मैं। क्या लाया है मुझे भी दिखा। अरे दिखा दिखा। ओए बस आ गई, चलो। अरे वाह नया चश्मा, क्या बात है स्वप्निल। मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ सही लग रहा है। अपने पे सब अच्छा लगता है। अच्छा आ गया बस, चलो। चश्मा ले लेना बाद में। अच्छा हुआ यार मैं आ गई। अच्छा वहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे। चल पांच विकेट लिया मालूम है ना।
अरे रुकना, कहाँ भाग रही है? इसलिए मैं नहीं जल्दी है यार इन लोगों को, लेकिन मैच नहीं छोड़ता मैं। हाँ सब इधर देखो, ये अच्छी आई है फोटो। कैसे आई फोटो? कैंपिंग के लिए बहुत सही जगह है, बता रहा हूँ। अबे नहाएंगे यहीं पे। अबे उधर तो मजा ही आ जाएगा भाई, बता रहा हूँ मैं। अबे हाँ सुरभि, भाई सुनना, रवि रवि चश्मा देना, रवि चश्मा चाहिए मेरे को। ले लेना बाद में। अभी दे देना। अरे ले लेना रे बाद में, जाना अभी, क्यों दिमाग खा रहा है यार? समझना मेरे को, अभी चाहिए। अरे भाई लोग ये बताओ, ये चश्मा मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है या इस पे? भाई आप पे ज़्यादा सही लगती है। सुन लिया, अब बोल, अब बाद में लेना। चलो यार मेरा चश्मा है ना, मेरे को अभी चाहिए। अरे बोला ना ले लेना बाद में, पीछे पड़ गया एकदम। चल निकल अभी, दिमाग मत खा यार, मेरे को दे यार। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। शाहरुख खान? नहीं। तो गेस कर। नहीं एक मिनट आ रहा हूं। रवि भाई, रवि भाई छोड़ो भाई, रवि भाई छोड़ दो उसको, रवि भाई, रवि भाई छोड़ दो, छोड़ दो उसको। पूरा पूरा मूड खराब कर देता है, समझा इसको? मैं समझा रहा हूँ भाई, हर बार सारा पंगे लगा। तू क्यों भिड़ता उससे? चल चल पानी पी ले, आ जा चल। अरे हमेशा का नाटक है उसका, सबको बाप का मैं समझता साला, उसको कुछ बोल कोई कुछ बोलता नहीं है ना, इसलिए चकता है। चल छोड़, आ जा पानी पी ले। सर इतना पानी मिलूंगा तो पानी पिलाना है, चल ना। वाओ यार, अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मैं कितना कुछ मिस कर देती ना। बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है, मतलब ये व्यू बहुत सुंदर है ना। जनवरी के लास्ट वीक में ना और भी सुंदर दिखता है ये जो सारे सामने के पेड़ हैं, इनके पत्तों के कलर रेड आते हैं, और यही समर्स के टाइम ना पानी में किंगफिशर आते हैं गर्मी से बचने के लिए। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है इस जगह के बारे में। आनंद सर के नोट्स बहुत सही होते हैं ना, मतलब बहुत इजी, सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। हाँ तुम तो बोलोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर पता रहते हैं तुम्हें। नहीं मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बाकी लोगों से पहले सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ ऐसे ही बोलोगे। अच्छा सुनो यार, मुझे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स में डाउट है, तुम मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ हाँ कुछ भी डाउट हो बताना मुझे। थैंक यू सो मच। अरे हाँ हाँ कुछ भी डाउट हो इसी से पूछना, ये झट से सॉल्व कर देगा, है ना स्वप्निल? मुझे कोई भी डाउट होता है ना मैं इसी से पूछता हूँ। हमें भी बुलाओ यार कभी एक्स्ट्रा क्लास में, हैं? स्वप्निल मैं भी चलती हूँ, ठीक है बाद में मिलते हैं हम लोग, बाय। ओके बाय बाय। अच्छा इसी के लिए तो चश्मा मांग रहा था क्या हीरो?
कहाँ हो बे? अबे कभी कभी तो लगता है ना कि ये जनरल कोटा में पैदा होके साला पाप किए। गलत भाई, पाप नहीं महापाप कर दिए। हाँ महापाप महापाप। अबे ये रवि नहीं दिखाई दे रहा ना काफी दिनों से? हाँ क्या? हाँ पिकनिक के बाद से तो कोचिंग भी नहीं आ रहा है। छोड़ना है, अपनों के करना है अभी। लेकिन उसका ऐसे अचानक से गायब होना अजीब नहीं लगता? तू जल्दी खा अपना, देख कोचिंग का टाइम हो गया है। अब वैसे भी चौधरी का क्लास है। चश्मा लाया हूँ तेरे लिए, पहनेगा? मैं पहनाता हूँ, रुक। क्या हुआ? हाँ पहन क्यों नहीं रहा? हाँ अब पहन उसको, तेरे को नंगा करके फोटो खींची तेरी। हाँ अब बुला अपने दोस्तों को, हंस मेरे ऊपर, खड़ा हूं तेरे सामने। हाँ हंसना साले, अब हंस। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे पकड़ लिया तो फिर उसके बाद क्या करूंगा। रुक, क्या करूं? बता बता बता। जलाऊं? अरे तेरे बाल जलाता हूं, बहुत होशियारी मारता है बालों के साथ। हाँ
इसमें ना ये डबल वन आएगा, एड ऑन करो इसमें। आया ना? तुमको ना ऐसा फैकल्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस बार तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इज्जत बच जाएगी। आजादी का दिन मुबारक हो। अबे तुझे नहीं, 15 अगस्त है ना आज। आज उसके घर पुलिस आई थी और उसके रूम में कुछ ढूंढ रही थी। तो कुछ मिला क्या उनको? मतलब क्यों आई थी, कहाँ गया, कुछ पता चला क्या? पता नहीं। हाँ, पर पता चल ही जाएगा। अच्छा, उसने लास्ट कॉल रोशन को किया था और पुलिस गई थी रोशन के घर भी। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे किसी ने सेक्टर 9 से उठाया है। अब पता नहीं क्या है। वैसे कॉफी अच्छी है। हाँ, कॉफी। अब तू मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है। तुझे यहां रख नहीं सकता और तुझे बाहर भेज भी नहीं सकता। क्या करे फिर? रुक। भाई भाई माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। मैं जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। हाथ पैर सब दुख रहे भाई, और मुझे सब समझ में आ गया। प्लीज माफ कर दे, तेरे पैर पड़ता भाई, पैर पड़ता तेरे। प्लीज माफ कर दे, छोड़ दे, हाथ पैर सब दुख रहा है यार। मान जा भाई, छोड़ दे। चल ठीक है, जीवन दान देता हूँ तेरे को। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा है। मैं ही साला साले, तू क्या समझता है? हाँ, तू ये सब करके बच जाएगा? हाँ, किससे पंगा लिया तेरे को पता है? साले, सबको पता चलेगा तूने क्या किया।
समझा? मेरे को मारेगा साले, क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, इफ यू गेट अ चांस टू चूज अ फिक्शनल कैरेक्टर एज योर पार्टनर, देन हु विल यू चूज? किसको चूज करोगे? क्या? अरे बताओ, अब समझ आया मुझको क्या तुम कितने सीरियस रहते हो? हाँ, सिर्फ क्लास में यस मैम और नो मैम बोलने के लिए तुम्हारा मुंह खुलता है। अरे इतना भी सीरियस होना अच्छा नहीं होता, समझे? अगर हमेशा तुम फ्यूचर की चिंता करोगे तो प्रेजेंट में कब जियोगे? और पता है, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में भी ना हमें बड़ी लग्जरीज ढूंढ लेनी चाहिए, जैसे कि नन्हे की कॉफ़ी या फिर सीसी का गुपचुप। हाँ हाँ, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी बस बोलना तो आता है तुमको। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है? और इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर तुमको एक ऑप्शन मिले टू चेंज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, तो तुम क्या बदलोगे? देखो, अब सबकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना जिसे लोग चाहते हैं कि बदल सकें। आफ्टर ऑल, वी ऑल आर ह्यूमंस, और जाने अनजाने में कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते। एक्चुअली मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता। हाँ सॉरी, वो मेरे घर से था। तुम बताओ ना, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, मोमोस खा ले, दुकान बन जाएगी फिर। ठीक है, चलो चलो। Thank you.